ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इसी बीच वे सतना जिले के रामनगर में आयोजित लाडली बहनम सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम के आगमन से लाडलियां उत्साहित नजर आई और उन्हें बहनों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। यहां मिले स्नेह से अभिभूत मुख्यमंत्री ने रैंप पर जाकर लाडलियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान सीएम ने हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र प्रदान किए और सतना जिले को 287 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही उन्होंने लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि लाडली बहना सिर्फ योजना नहीं है, दिल की तड़प है। बहनों के साथ हुए अन्याय की मैं भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूं। सीएम ने रैंप पर हाथ में माइक थाम कर फूलों का तारों का सबका कहना है गीत गाया। सीएम ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और भाजपा की तारीफ करते हुए बोले, बाणसागर की नहर कांग्रेस नहीं बना पाई, हमने बनाई। घर में नल जल की क्रांति आई, पीएम मोदी और भाजपा की सरकार यह सब काम कर रही है। साथ ही रामनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिगना हिनौती में नया स्वास्थ्य केंद्र, मर्यादपुर में CSC, न्यू रामनगर बस स्टैंड में विकास कार्यों के लिए राशि देने का सीएम ने मंच से ऐलान किया। मैं भी गाता था और आज भी वो गीत मुझे याद आ रहा है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000ों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, आ मेरे पास आ कह जो कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। एक बार सब गाओ, फूलों का तारों का सबका कहना है। अद्भुत कार्यक्रम है ये मेरी बहनों, ये योजना नहीं है, ये दिल की तड़फ है। बचपन से जो अन्याय मैंने देखा था बेटियों के साथ होते हुए, बहनों के साथ होते हुए, ये उस अन्याय की भरपाई करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश कर रही है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।